शेयर मार्केट से हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन क्या आप इसमें कामयाब होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी पार की नज़र से मल्टीबैगर स्टॉक को पहचाना और 15 गुना तक रिटर्न कमाए। मैं बात कर रहा हूं प्रूडेंट इक्विटी के फाउंडर एंड CIO सिद्धार्थ ओबेरॉय की। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हम सिद्धार्थ ओबेरॉय से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने का तरीका क्या है, इसके लिए क्या टिप्स हैं, ऐसे कौन से ऐसे मल्टीवैगर स्टॉक्स हैं जिनको हमको चुनना चाहिए, और कैसे तय करें कि किन स्टॉक में किन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए या फिर कब उसको बेचें। तो इन तमाम टिप्स को हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिद्धार्थ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि निवेशक के तौर पर अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को बताएं। मैंने काम चालू किया था 1996 से, जब मेरा फुल टाइम, जब मैं जस्ट आफ्टर कॉलेज में इसमें चला गया सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन शुरुआत ठीक नहीं हुई क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं थी कि करना कैसे है, ये स्टॉक्स लेने कैसे हैं। तो वो पहला साल ठीक नहीं रहा। उसके बाद मैं बुक्स पढ़ने लग गया। मुझे एक कहीं बुक मिली वॉरेन बफेट की, तो जिसमें पता लगा कि इन्होंने बहुत पैसा कमाया हुआ है स्टॉक्स के ज़रिए। तो उस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे वो उन चीज़ों को मैं अपने इन्वेस्टमेंट में अमल करता रहा, और वो जो नेक्स्ट 3 साल थे वो बहुत अच्छे थे और मेरा काफ़ी बेस बन गया। जो वो बताते थे वो ये था कि आप एक तो क्वालिटी देखिए कंपनी की, मैनेजमेंट की, कंपनी कैसे कैपिटल एलोकेट कर रही है। और जो मुझे लगा कि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है हर स्टॉक में, क्योंकि बिना ग्रोथ के कंपनी ही प्लेटो हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी। मतलब आपका एक्सपीरियंस टोटल शेयर मार्केट में अगर कहें एज ए निवेशक के तौर पर तो कितना टाइम हो गया आपको? अब मुझे 27 साल हो गए हैं एज ए फुल टाइम इन्वेस्टर। अच्छा, फुल टाइम इन्वेस्टर, तो यानी काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है आपने, और वॉरेन बफे की किताबों से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। तो हम अपने निवेशकों को भी आगे बताएंगे, आपसे सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे क्या उनके लिए टिप्स हैं। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि पिछले सालों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको, जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, साथ ही उनके नाम भी अगर आप बता सकें और कितना प्रतिशत आपको रिटर्न मिला इसकी भी जानकारी दीजिए। देखिए, पिछले साल था बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होने का, क्योंकि जनरल जो बुल रन थी कोविड के बाद वो खत्म सी हो रही थी। तो हमें देखना था कि किन किन सेक्टर्स और किन किन स्टॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यू नो डिफरेंट हो रही हैं। जैसे एक कंपनी थी साउथ इंडियन बैंक, वो ये स्टॉक 7-8 रुपये पे होता था। इसके अंदर एक नया CEO इन्होंने अपॉइंट किया था 2020 कोविड के बाद। उन्होंने 2.5 साल के अंदर जो पूरी बुक है वो पूरी बदल दी। जो नई लोन बुक थी वो 50% से 50% से ऊपर चली गई थी, और उसकी जो NPS थे वो 0.06 थे। सो इतने कम NPA हो गए थे। और जो ओल्ड बुक थी उसको भी धीरे धीरे रिस्ट्रक्चर किया जाता, लेकिन मार्केट ने नोटिस नहीं किया था। स्टॉक हमने 7-8 रुपये के करीब उठाया था और ये 21 रुपये तक गया था। तो ये आपके पोर्टफोलियो में शामिल था, एक ये स्टॉक हो गया, और कौन से स्टॉक? और एक और था, एक था एक कंपनी है मिर्जा इंटरनेशनल, जो कि डीमर्ज कर रही थी। उनके पास एक ब्रांड है रेड टेप, तो उसको डीमर्ज कर रही थी, और इसमें काफी मुनाफा हुआ, ये 3 times गया स्टॉक। ओके, तो यहाँ से आपने, क्योंकि बैंकिंग को आपने, आप बता रहे थे बैंकिंग को, सेक्टर को आपने कवर किया, तो हमने पीछे देखा था कि काफ़ी ज़्यादा उसमें जो शेयर्स को लेके काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, खासकर लोन बुक हो वो बेहतर हुई थी, और इसके अलावा जो NPA उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कटौती देखी गई थी, जिसके बाद हमने देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत सारे बैंक थे उसमें हमें खास शानदार तेज़ी देखी गई थी। मेरा अगला सवाल, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि बहुत सारे जब सवाल भी आते हैं और जो निवेशक होते हैं वो आते ही शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ तरह की गलतियां करते हैं जो मैं आपसे पूछूंगा आगे चल के, लेकिन अगर किसी को मल्टी बैगर चुनना हो स्टॉक तो वो कैसे चुने, इसके लिए टिप्स क्या हैं आपके? तो ऐसे मल्टी बैगर ऐसे प्लान करके नहीं चुना जा सकता। हम सबसे पहले, कोई भी निवेशक है वो स्टार्ट करता है देख के कि इस कंपनी में, इस स्टॉक में इस लेवल से डाउनसाइड प्रोटेक्ट है या नहीं, वो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं इस कंपनी में ग्रोथ कैसी है। एक मल्टीबैगर स्टॉक को आपको बहुत टाइम तक होल्ड करना पड़ता है और बहुत फेजेस से वो स्टॉक गुजरता है। कई बार जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, एक कंपनी थी भारी टेक्नोलॉजीज जो 23 रुपये पे ली गई थी, वो स्टॉक 50 पे गया, लेकिन उसके बाद
कुछ खास हुआ नहीं और ये स्टॉक गिर के 6-7 रुपए आ गया, तो एक निवेशक को ये भी देखना पड़ेगा कि उसको जो स्टॉक की वोलेटिलिटी है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कि आपने एक स्टॉक को 23 पे भी देखा, 50 पे भी देखा, फिर आप 7 पे भी देखा, लेकिन अगर आप कन्विंस्ड हैं कि इसकी स्टोरी आगे चल के बिल्कुल वैसे ही पैन आउट होगी जैसे आप सोच रहे हैं और आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी होल्डिंग पावर भी बढ़ती जाती है। और इसमें भी ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे करके ये स्टॉक 200 गया, 250 गया, 500, ये अब 800। लेकिन मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा, आपने कहा कन्विंस होना चाहिए, लेकिन कन्विंस किस लिहाज से होना चाहिए? कोई तो पैरामीटर्स होंगे कि अगर कोई इंसान किसी शेयर को खरीद रहा है तो बहुत सारी चीज़ें उसको एक निवेशक के तौर पर उसको देखनी चाहिए कि आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी पैरामीटर्स होते हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि हाँ भाई ये स्टॉक जो है वो आगे चल के मल्टीबैगर बन सकता है। सबसे पहली चीज है कि कंपनी में अर्निंग्स आनी चाहिए आगे चल के। आप अगर देखते हैं कि ये कंपनी की लेट अस से मार्केट कैप 500 करोड़ है, 200 करोड़ है, इसकी कितनी ज्यादा अर्निंग्स बढ़ सकती हैं आगे चल के और क्या टाइम फ्रेम है और किस वजह से बढ़ेगी, तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको फिर मॉनिटर करें तो आप एक एक मल्टीबैगर स्टॉक पे ही बैठे होंगे। बट आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये जो अर्निंग्स हैं वो सब्सटेंशियली ग्रो करने वाली हैं इन द फ्यूचर। अच्छा, तो क्या सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहिए या और भी ऐसे चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए जब स्टॉक में आप निवेश कर रहे होते हैं? तो नहीं, रिजल्ट्स तो बताते हैं कि आपने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन आपको कंपनी को स्टडी करके देखना चाहिए कि कंपनी क्या क्या ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे उसकी अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो करेगी आने वाले टाइम में। तो वो हर कंपनी का अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना। अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि देखिए आपने एक अलग सेट किया एक पैरामीटर, तो उसी के हिसाब से मैं पूछता, अगर आप एक एग्जांपल दे के बता पाए कि भाई ये स्टॉक था, मैंने इसमें निवेश किया था और मैंने ये पैरामीटर्स चेक किया और आगे चल के ये मल्टीबैगर बना, तो थोड़ा सा अगर आप और ब्रीफ समझा पाए हमारे व्यूअर्स को। तो एक कंपनी थी एल्काइल अमाइंस केमिकल्स, तो ये कंपनी आइडेंटिफाई की थी जब उसका मार्केट कैप था आई थिंक अबाउट 500-700 करोड़। उसके बाद ये कंपनी दहेज में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रही थी, ये एक और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चर करती थी जिसका नाम था एसिटोनाइट्राइल। इसकी भी वो कपैसिटी बढ़ा रही थी धीरे धीरे करके 4,000 से 6,000 फिर 10,000 टन, ये अगले 2 साल में आने वाला था। अब यही जरूरत होती है एक निवेशक को देखने की कि उसमें वो होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता। कंपनी का प्लांट 1 साल के लिए डिले हो गया किसी वजह से, लेकिन क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट और थीसिस जिसके लिए लिया गया था वो इंटैक्ट थी, तो ये होल्ड किया गया। और कुछ टाइम बाद जब ये प्लांट इसका आया और इसकी अर्निंग्स आने लगी, ये स्टॉक 6 से 8 गुना गया। हालांकि हमने उसके पास बेच दिया तो उसके बाद भी 3 गुना चला गया। अच्छा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। चलिए, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, थोड़ा सा और मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकें आपके। देखिए, एक निवेशक जो आपने बता दिया कि भाई मल्टीबैगर को चुनने के तरीके क्या हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, येस बैंक की बात करते हैं। लोगों ने सस्ते में 8 पे खरीदा, 11 पे खरीदा, 12 पे खरीदा, 14 पे खरीदा और वो 23-24 तक उसका भी पीछे हाई गया और वहाँ पे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बेचा और जो नहीं बेच पाए वो 12-13 के बीच में अभी घूमते रह गए, 16-17 के बीच में घूमते रह गए। अब मैं यही समझना चाह रहा था कि एक निवेशक के तौर पर एक स्टॉक में बने रहना चाहिए और उसको कब बेच देना चाहिए, ये क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खासकर निकलना कब है स्टॉक में ये नहीं पता चलता निवेशकों को। तो देखिए, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो ये है कि हम एक कंपनी की सबसे पहले तो वैल्यू जान लेते हैं कि अगर हम एक कंपनी को स्टडी करते हैं तो हम उसकी वैल्यू जान लेते हैं कि ये बिजनेस के रेट पे सेल होना चाहिए, क्या इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ पर शेयर है या 200 रुपये पर शेयर है। बिना वो जाने हम एक बस एक अंधेरे कमरे में घूम रहे होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है क्या है। तो जब आप कंपनी को स्टडी करके ये जान लेते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, आपकी कोशिश होगी कि इसको आप बहुत सस्ते में लें। अगर आपको लगता है कि कंपनी 100 रुपये में की वर्थ है और आपको ये कंपनी 60 रुपये या 50 रुपये में मिल रही है, तो आपने अपनी तरफ से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी या जिसे कहते हैं ना एक कुशन बना लिया है जिससे आप यू नो नीचे के डाउनफॉल से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। तो ये कंपनी में जानना जरूरी है, हर कंपनी को किसी तरह से, चाहे आप लेमैन हैं चाहे आप एक्सपर्ट हैं, वैल्यू करना जरूरी है। आप कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी की, इस प्रोडक्ट की ये वैल्यू है और मैं सस्ते में खरीद रहा हूँ। एक शर्ट है, क्या मैं इसके लिए 1,000 दूंगा, 2,000 दूंगा,
तो मुझे पता चलेगा ये सेल पे है तो मैं सस्ते में ले रहा हूँ, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस उसकी उसकी वर्थ क्या है, तो आपको कैसे पता कि आप सस्ते में ले रहे हैं तो महंगे एक में चीज़ ले रहे बताइए, आपने ये पूछा डाउनफॉल की, मैं अगर बात करूँ तो डाउनफॉल को इस लिहाज से भी देखा जाए, क्योंकि देखिए एक स्ट्रेटेजी होती है बाय ऑन डिप्स की, सिंपल की, भाई शेयर गिरा हुआ है तो उसे खरीदारी करें, लेकिन यहाँ पे भी मात खा जाते हैं कई बार निवेशक, शेयर जब गिरा हुआ होता है तो वो और नीचे गिर जाता है। तो इसमें समझने वाली कन्फ्यूज ये बात जो ये समझाइए हमारे निवेश हमारे व्यूअर्स को कि कब एक निवेशक को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये ज़्यादा इसका ये जो पीक है डाउनफॉल है इसका, अब हमें यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए या फिर हमें रुकना चाहिए, अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए और गिरेगा भी, ये कैसे पता चले निवेशक को? तो मैं आपको नहीं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। एक हाँ कंपनी मुझे है बहुत आशा, तगड़ा एक्सपीरियंस है आपका 27 साल का, और वो आप एक्सपीरियंस के जरिए बता रहे हैं आप एक चीज़, नहीं अच्छी बात है। जी, तो एक कंपनी है आशियाना हाउसिंग। तो ये गुड़गांव के पास एक जगह है भिवाड़ी, वहाँ इन्होंने काफी लैंड अक्वायर कर लिया था। जी तो जब मुझे पता चला कि ये लैंड अक्वायर कर लिया और न्यूज़पेपर में भी आ रहा था कि इनके प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे जी हैं, तो ये मैंने स्टॉक लेना चालू किया 250 से। धीरे धीरे गिर के ये 225 पे आ गया और गिर के ये 200 पे आ गया। अब मैं लेता रहा लेता रहा, जब ये 180 160 पे आया तब तक मैंने लिया, पर फिर मैं थोड़ा घबरा गया कि ये तो गिरता ही जा रहा है, ये इसका पता नहीं क्या कहाँ खत्म होगा ये। लेकिन जब उसके अर्निंग्स आई तो ये देखा कि हाँ, जो सोचा था वो धीरे धीरे ये बुक्स पे आना स्टार्ट हो रहा है। वहां मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, धीरे धीरे करके मैंने काफी बड़ा स्टेक उसमें ले लिया। जी और फिर ये धीरे धीरे करके स्टॉक रैली करना चालू हुआ और ये 5 या 6 टाइम्स जाके बिका ये स्टॉक। जी तो ठीक अगर आप कंपनी, कोई भी कंपनी स्टडी कर रहे हैं, उसको उसको फॉलो करिए बड़े ध्यान से, और आप देखिए कि अगर आपने अर्निंग्स को प्रोजेक्ट किया था वो वहाँ पैन आउट हो रही है नहीं। ठीक है, अर्निंग्स हो गए, टाई अप्स हो गए, बहुत सारी कमेंट्रीज हो गई, सब चीज़ों को देख के आपको अगला कदम उठाना चाहिए। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे है कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, बैंकिंग के सेक्टर की बात की जाए पूरी दुनिया में, या और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों को देखने मिले, अब मैं आपसे समझना चाहता कि ऐसे माहौल में निवेशक को मुनाफे वाली स्ट्रेटजी अपनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मुनाफा कमाएं इस मौजूदा वक्त में? देखिए, अभी सबसे पहले तो जो जिसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, वो देखने चाहिए कि क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं और ग्लोबल ग्लोबली काफ़ी अनसर्टन है यूएस की सिचुएशन देखते हुए। तो सबसे अच्छा सेक्टर जो यहाँ भी नज़र आ रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर मिल रहे हैं। डेली अनाउंसमेंट्स हो रही है कि ऑर्डर आ रहे हैं। कई कंपनियां, मैं आपको 10-15 कंपनियां बता सकता हूं जिनके ऑर्डर बुक अगले 3-4 साल तक पूरी भरी हुई है। या रेलवे सेक्टर देख लीजिए, वहां भी कंपनीज हैं जहां भर भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इनकी जी रेवेन्यूबिलिटी बहुत साफ है कि कई साल तक इनको रेवेन्यू जनरेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो लो जी हैंगिंग फ्रूट है ना, इनको देखना चाहिए आजकल अभी। ठीक है। अच्छा ये चीज़ बताइए कि क्योंकि देखिए आपने तो बताया कि भाई आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए था इस पिछले 1 साल में, जो स्टॉक स्पेसिफिक हुए और जिन्होंने समझदारी से फैसला लिया तो उन्होंने मुनाफा कमाया, लेकिन जिन निवेशकों को नुकसान हुआ पिछले 1 साल में, अब उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले वो देखें कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की या कहाँ चूक हो गई, और क्या किस कंपनी की जो उनकी क्वालिटी थी वो क्या थी, क्या उन्होंने वो महंगे पे लिया। और सबसे पहले तो वो गलतियां ना दोहराएं, और कंपनी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो फिर आप एक सट्टा खेल रहे हैं जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक निवेशक के तौर पे अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए कि निवेशक को किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये किसी हेरसे पे नहीं जाना चाहिए, कई सुनी सुनाई बातों पे कि इस पर्सन ने बड़ा पैसा कमा लिया है और ये स्टॉक वो ले रहा है तो उसके पीछे आप चले गए। आप अपनी स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी हार्ड अर्न कमाई है। सबसे जी पहले आप देखिए कि ये कंपनी के बारे में, अगर आप बिल्कुल ही लेमैन हैं तो क्या आप इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कुछ नॉलेज है आपको, क्या आप इस कंपनी से कहीं किसी अपने डे टू डे में डील करते हैं, तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा। फिर उसकी आप थोड़ी बैलेंस शीट में देखिए, क्या वो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले रही है, किस तरह से वो अपनी ग्रोथ फाइनेंस कर रही है, थोड़ा बहुत जानकारी रखना इन सब के लिए भी ज़रूरी है। और फिर आप कोशिश कीजिए एक देखने की इस कंपनी को आप एज अ प्राइवेट निवेशक कितने में लेंगे,
तो और फिर देखिए क्या आपको ये सस्ते में मिल सकती है या नहीं, ये कुछ ये पॉइंट्स हैं जो एक इन्वेस्टर नोट कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बाजार में इस समय कहाँ निवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे या तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट निवेश किया सकता है, खास तौर पर अगर शेयर के बारे में बता पाए ताकि जो निवेशक है मुनाफा कमा पाए। तो मैं आपको सेक्टर्स बताता हूँ कि बैंकिंग बहुत अच्छा सेक्टर है अभी, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जी बैंक्स। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स सिनेरियो में क्या होता है कि आगे चल के एनपीएस आते हैं, लेकिन जब तक वो बढ़ रहे होते हैं तब तक बैंक्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी साथ साथ बढ़ रहे होते हैं। वो कम जी में करके लोन लेके ज्यादा में लेंड कर रहे होते हैं, तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ पीरियड होता है जहाँ काफी पैसा बनता है बैंक्स का, जहाँ बैंक्स के निम भी थोड़े एक्सपैंड होते हैं। और अभी देखा गया है कि जो एनपीए लेवल्स हैं वो भी काफी कंट्रोल में आ गए बैंक्स के। कोविड टाइम पे जिन्होंने प्रोविजनिंग की थी वो भी राइट बैक हो रही है। तो बैंक्स बैंकिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है। और दूसरा है जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ग्रोथ आनी बाकी है अभी। और अभी स्टॉक्स आप एक एज अ बास्केट बना के ले लीजिए, कुछ 5-7 स्टॉक, तो आप पैसा कमाएंगे इसमें। तो मतलब आपने दो सेक्टर्स बताए, एक बैंकिंग बताया और एक इंफ्रा बताया आपने ना जी जी। यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अगर दाव लगा जाए तो निवेशक मुनाफा कमा सकते हैं। जी ठीक है बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका बिजनेस टुडे से जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको एज अ निवेशक के तौर पे फायदा मिलेंगे आपके टिप्स। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और यहाँ पर हम लोग अपने व्यूअर्स को एक चीज़ साफ करना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी किसी भी शेयर को खरीदने की सलाह नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी बातें हुई ये व्यक्तिगत जो हमारे गेस्ट थे उनकी व्यक्तिगत राय थी। बहुत बहुत धन्यवाद, और हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी ऐसे कंटेंट का, अच्छे कंटेंट का फायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।